स्वर्गीय जयनाल व्यास जी को, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, जिनको शेरे राजस्थान के नाम से पुकारा जाता था, जब कभी आते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में या असेंबली के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, एक गर्व महसूस होता है कि वो पीढ़ी थी आज़ादी के पहले और बाद की, जिन्होंने जो त्याग बलिदान किए हैं, इसी बहाने नई पीढ़ी तक संदेश जाए उनके कितने त्याग थे, बलिदान थे, कुर्बानियाँ थी, किस प्रकार मुल्क आज़ाद हुआ, ये तमाम बातें हमारे जहन में घुसती है, घूमती है, जो सुनते थे हम लोग। तो ये परंपरा अच्छी परंपरा है जिसमें हम लोग बराबर आते हैं और उनको याद करते हैं। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। वो ज़माना संविधान की रक्षा करने का था, अब जो समय आया है वो ज़माना संविधान के ऊपर छूट की जा रही है उसको बचाने का, ये चिंता का विषय है। क्या क्या अल्फाज बोले जा रहे देश के अंदर, दिल्ली चुनाव उसका नमूना है, दिल्ली चुनाव नमूना है, पूरे दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, एक के बाद एक कोई गोली मार रहा है गद्दारों को, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री यूपी के कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, गोली से मानेंगे, क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए। 70 वर्ष के लोग खुद ही गृह युद्ध पैदा करने का प्रयास करते हैं, ऐसा पहली बार सुना हम लोगों ने, और ये दुखद है। पर सबक जो सिखाया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, वो सबक मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक बीजेपी को याद रहेगा। इतना कह सकते सर, गड़बड़ियाँ और अनियमितता रोकने की सरकार का जीरो टॉलरेंस है, गड़बड़ी अनियमितता कहीं भी होती है तो सरकार जीरो टॉलरेंस करती है, किस तरह से मैसेज दिया है सरकार ने, काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है सरकार के बारे में, पारदर्शी प्रशासन और सारी जो चीज़ें होती हैं, सुराज स्वशासन आम आदमी फील करेगी बेटर। हम तो बार बार कहते हैं संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन होना चाहिए, वो तमाम खाली मेरे अकेले से कहने से नहीं होता है, पूरे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, तमाम विधायक सब मिलकर के, ब्यूरोक्रेसी के लोग सब मिलकर के संकल्प लेंगे कि जनता ने हमें यहाँ बिठाया है बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जननेता हो, उन सब की ड्यूटी है कि हम वही भावना जो सरकार की है, संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, जनता की सुनवाई हो जिसके अंदर, हम चाहेंगे कि जनता की सुनवाई सर्वोपरि हो, और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें कोताही बरतेगा सरकार की नज़र उस पर रहेगी। सुनवाई करना बहुत आवश्यक है, काम किसी का होगा किसी का नहीं होगा, पर सुनवाई नहीं करो आप तो कैसे फैसला कर सकते हैं आप। तो हम चाहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं, वो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचे, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। सर बजट आ रहा है, इंतजार करो उसका, तो भाई स्वर्गीय जयनाल व्यास जी को, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, जिनको शेरे राजस्थान के नाम से पुकारा जाता था, जब कभी आते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में या असेंबली के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, एक गर्व महसूस होता है कि वो पीढ़ी थी आज़ादी के पहले और बाद की, जिन्होंने जो त्याग बलिदान किए हैं, इसी बहाने नई पीढ़ी तक संदेश जाए उनके कितने त्याग थे, बलिदान थे, कुर्बानियाँ थी, किस प्रकार मुल्क आज़ाद हुआ, ये तमाम बातें हमारे जहन में घुसती है, घूमती है, जो सुनते थे हम लोग। तो ये परंपरा अच्छी परंपरा है जिसमें हम लोग बराबर आते हैं और उनको याद करते हैं। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। वो ज़माना संविधान की रक्षा करने का था, अब जो समय आया है वो ज़माना संविधान के ऊपर छूट की जा रही है उसको बचाने का,
ये चिंता का विषय है। क्या क्या अल्फाज बोले जा रहे देश के अंदर, दिल्ली चुनाव उसका नमूना है, दिल्ली चुनाव नमूना है, पूरे दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, एक के बाद एक कोई गोली मार रहा है गद्दारों को, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री यूपी के कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, गोली से मानेंगे, क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए। 70 वर्ष के लोग खुद ही गृह युद्ध पैदा करने का प्रयास करते हैं, ऐसा पहली बार सुना हम लोगों ने, और ये दुखद है। पर सबक जो सिखाया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, वो सबक मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक बीजेपी को याद रहेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। सर, गड़बड़ियाँ और अनियमितता रोकने के लिए सरकार का जीरो टॉलरेंस है, गड़बड़ी अनियमितता कहीं भी होती है तो सरकार जीरो टॉलरेंस करती है, किस तरह से मैसेज दिया है सरकार ने, काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है सरकार के बारे में, पारदर्शी प्रशासन और सारी जो चीज़ें होती हैं, सुराज स्वशासन आम आदमी फील करेगी बेटर। हम तो बार बार कहते हैं संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन होना चाहिए, और वो तमाम खाली मेरे अकेले से कहने से नहीं होता है, पूरे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, तमाम विधायक सब मिलकर के, ब्यूरोक्रेसी के लोग सब मिलकर के संकल्प लेंगे कि जनता ने हमें यहाँ बिठाया है बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जननेता हो, उन सब की ड्यूटी है कि हम वही भावना जो सरकार की है, संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, जनता की सुनवाई हो जिसके अंदर, हम चाहेंगे कि जनता की सुनवाई सर्वोपरि हो, और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें कोताही बरतेगा सरकार की नज़र उस पर रहेगी। सुनवाई करना बहुत आवश्यक है, काम किसी का होगा किसी का नहीं होगा, पर सुनवाई नहीं करो आप तो कैसे फैसला कर सकते हैं आप। तो हम चाहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं, वो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं।